बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको कक्षा 3 का सामान्य ज्ञान विषय पढ़ाने जा रही हूँ। तो सामान्य ज्ञान विषय में है आज हमारे पाठ 16 हमारा है जंतु। क्या है पाठ 16 हमारा? जंतु। आज जंतुओं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखो, नीचे कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक जीव जंतुओं को पहचान कर उसका सही नाम रिक्त स्थान में लिखना है। क्या है? नीचे कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं। तो प्रत्येक जीव जंतुओं को पहचान कर उसका सही नाम हमको रिक्त स्थान में लिखना है। तो देखो, नाम नीचे दी गई सूची में से चुनना है। तो देखो, पहला ये सूची दी गई है हमको बच्चों, इसमें से हमको नाम चुनना है। तो पहला क्या है? मच्छर। देखो पहला क्या लिखा हुआ है? मच्छर। फिर तितली, ढोला, खटमल, मधुमक्खी, दीमक, तिलचट्टा और मक्खी। क्या है? ये सब क्या है? जीव जंतुओं के नाम है। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। मच्छर, तितली, ढोला, खटमल, मधुमक्खी, दीमक, तिलचट्टा और मक्खी, ये क्या है? हमारे जीव जंतु है। अब देखो, ये पहला जंतु दिया है हमको। क्या दिया है? इस चित्र को पहचान कर हम, इस चित्र को देखकर हम पहचानेंगे। तो ये क्या दिया गया हमको? मच्छर। क्या है ये? मच्छर है ना, मधुमक्खी नहीं है। ये क्या है बच्चों? मच्छर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मच्छर। देखो क्या है ये? मच्छर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मच्छर। अब देखो ये क्या है? ये तो सब जानते होंगे कि इसको क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? तितली। क्या बोलते हैं? तितली। तो देखो इस तरह से ती त ली, क्या बोलते हैं इसको? तितली। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम ती त ली, तितली। अब देखो आगे क्या ही बोलते हैं इसको? ढोला। क्या बोलते हैं? ढोला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ढोला। ये जंतु आपने देखा है बच्चों, फूलों के अंदर होता है। हम जब फूल, कभी कभी फूलों के पास देखना, फूलों के माय अंदर ये मिलता है। पर इस जंतु का नाम आपको पता नहीं होगा। तो इस जंतु का नाम क्या है? ढोला। क्या है? ढोला। अब देखो इसको क्या बोलते हैं अपने? कॉकरेच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉकरेच। पर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तिलचट्टा। क्या बोलते हैं हिंदी में? तिलचट्टा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तिलचट्टा। तिल चट्टा, ये चौथा नंबर है, इसको क्या बोलेंगे? तिल चट्टा। फिर देखो यहाँ पे ये क्या है हमारी? मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी, जो पांच नंबर है। तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? मधुमक्खी। तो यहाँ लिखेंगे मधुमक्खी। पांच नंबर में हमने लिखा मधुमक्खी। तो ये हमारा क्या हुआ? मधुमक्खी। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? दीमक। क्या बोलते हैं? दीमक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? दीमक। दीमक। क्या बोलेंगे? दीमक, दीमक। अब इसको क्या बोलेंगे? खटमल। क्या है? खटमल। यहाँ सात नंबर में लिखेंगे खटमल। सात नंबर में हमने क्या लिखा? खटमल। अब ये लास्ट है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? इसको तो सब पहचानते होंगे। इसको क्या बोलते हैं? मक्खी। क्या बोलते हैं? मक्खी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मक्खी। ये हमारा हो गया मक्खी। तो बच्चों अब इसके आगे हम क्या करेंगे? इसका स्वाध्याय देखेंगे। तो स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या है? कोष्टक से उचित शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्या है? खाली जगह लकड़े के फर्नीचर का नाश करती है। खाली जगह लकड़े के फर्नीचर का नाश करती है, तो क्या आएगा? दीमक। कौन करती है? दीमक। तो यहाँ पे लिखेंगे दीमक। कौन करता है? मक्खी या दीमक? तो क्या आएगा? दीमक करता है। अब देखो दूसरा, खाली जगह रोग फैलाती है। तो रोग कौन फैलाती है? मक्खी। मधुमक्खी फैलाती है कि मक्खी? कौन फैलाती है? मक्खी। तो यहाँ लिखेंगे मक्खी। हमारा रोग कौन फैलाती है? हमारे घर में खाने के ऊपर मक्खी बैठती है, तो हम क्या करते हैं? उसको खाने को ढक देते हैं, तो उस पर रोग नहीं फैलता है। जो खाना खुला होगा तो उस पर रोग फैलेगा। अब तीसरा देखो,
खाली जगह काटने से मलेरिया होता है। क्या है? खाली जगह काटने से मलेरिया होता है। तो क्या आएगा? खटमल काटने से होता है कि मच्छर किससे होता है बच्चों? ये तो सबको पता होगा, मलेरिया किससे होता है? मच्छर से। किससे? मच्छर से। तो यहाँ लिखेंगे मच्छर। खाली जगह काटने से मलेरिया होता है, तो क्या होगा? मच्छर काटने से। फिर देखो चौथा है, खाली जगह रंग बिरंगी होती है। अब क्या है? खाली जगह रंग बिरंगी होती है। तो रंग बिरंगी क्या होती है? किलचट्टा होता है कि तितली होती है? तो क्या होती है? देखो ये तितली रंग बिरंगी है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तितली। कौन रंग बिरंगी होती है? तितली। हमारी तितली रंग बिरंगी होती है। अब देखो खाली जगह छत्ता बनाती है, खाली जगह छत्ता बनाती है, तो छत्ता कौन बनाती है? मक्खी के मधुमक्खी। कौन बनाती है छत्ता? तो मधुमक्खी। कौन बनाती है? मधुमक्खी। तो यहाँ लिखेंगे मधुमक्खी। ये क्या हुआ? मधुमक्खी। चलो एक बार बच्चों फिर से इसको समझा देती हूँ आपको, पाठ हमारा 16 जंतु। तो मैंने अभी आपको लिख लिख के बताया, अब हमको इसको सिर्फ पढ़ना है। तो देखो पहला ये क्या है हमारा? मच्छर दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है? मच्छर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मच्छर। फिर दूसरा है तितली। क्या है दूसरा? तितली। फिर तीसरा है ढोला। तीसरा क्या है? ढोला। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे ढोला। फिर क्या है हमारा चौथा? तिलचट्टा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? लिखेंगे तिलचट्टा। फिर पांचवा है मधुमक्खी। क्या है पांचवा? मधुमक्खी। तो यहाँ लिखेंगे मधुमक्खी। अब छठा है दीमक। क्या है छठा हमारा? दीमक है। तो यहाँ लिखेंगे दीमक। अब सातवा हमारा है खटमल। क्या है सातवा? खटमल। तो यहाँ लिखेंगे खटमल। अब आठवा है हमारा मक्खी। तो यहाँ लिखेंगे मक्खी। अब स्वाध्याय जो हमारा है वो देखेंगे। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला क्या आएगा हमारा? खाली जगह लकड़े के फर्नीचर का नाश करती है। क्या है? खाली जगह लकड़े के फर्नीचर का नाश करती है। तो फर्नीचर का नाश कौन करती है? दीमक। कौन करती है? दीमक। तो यहाँ लिखेंगे दीमक लकड़े के फर्नीचर का नाश करती है। फिर दूसरा देखो, खाली जगह रोग फैलाती है। खाली जगह रोग फैलाती, तो रोग कौन फैलाती है? मक्खी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मक्खी। अब तीसरा है, खाली जगह काटने से मलेरिया होता है। तो क्या काटने से मलेरिया होता है? तो मच्छर। क्या काटने से होता है? मच्छर काटने से मलेरिया होता है। अब चौथा है, खाली जगह रंग बिरंगी होती है। तो क्या आएगी? तितली। तो क्या है? तितली रंग बिरंगी होती है। तो लिखेंगे तितली रंग बिरंगी होती है। अब पांचवा है, खाली जगह छत्ता बनाती है। तो छत्ता कौन बनाती है? मधुमक्खी। कौन बनाती है? मधुमक्खी। तो बच्चों आज मैंने आपको पाठ 16 समझा दिया, जो जिसका पेज नंबर है 30 और पेज नंबर है 39। पेज नंबर 30 और ये 31। तो ये हमारे पेज नंबर 30 31 हैं। तो आज के लिए मैं बच्चों आपको ये जो पाठ मैंने समझाया है वो पाठ आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में भर देना है। पेज नंबर 30-31 आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में कंप्लीट कर देना है, ठीक है बच्चों? तो आप ये पाठ 16 जो है वो अपनी स्वाध्याय पोथी में पूरा करेंगे। आगे के वीडियो में मैं आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है बच्चों? आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। थैंक यू।